हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आर सो आज हम वीडियो बात करेंगे एरेडा के बारे में इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड ये आप इस नाम से भी जानते हैं बट शॉर्ट में इरेडा बोलते हैं और इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे फंडामेंटली भी देखेंगे कि कैसी ये कंपनी और टेक्निकली भी चार्ट देखेंगे कि टेक्निकली अभी कहाँ पर बैठी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंचर पर बैठी है इरेटा भी उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या है और अभी अगर आपके इस पोजीशन में तो क्या करें और नई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो फिर उसमें क्या करें बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेगा सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए हमने लास्ट ही वीडियो में ऐसे पांच स्टॉक्स के बारे में बात की थी जो कि 200 डीमा के इर्द गिर्द हैं या तो 200 डीमा को तोड़ चुके हैं या फिर तोड़ने के कगार पर हैं तो अगर वो वीडियो नहीं देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और उसमें हमने बिल्कुल टेक्निकली देखा है कि क्या अब क्या करें अगर टू हंड्रेड ईमा तोड़ चुका है तो क्या निकल जाएँ या उसमें वेट करेंगे तो उसमें काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं टाटा मोटर्स है हमने बात की है उसमें हमने बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात की है रिलायंस के बारे में बात की एल आई सी के बारे में बात की है तो ये सारे ही स्टॉक्स के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की है तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा आज क्विकली बात कर लेते हैं इरेडा के बारे में इरेडा में आप अगर थोड़ा सा देखेंगे कि इरेडा कंपनी करती क्या है तो वो भी एक बार देख लेते हैं कंपनी का आ, की कामकाज कैसा करती है कैसे पैसा कमाती है वो सब चीज़ें देख लेते हैं तो इरेडा पहली बात तो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया के पास है सेवेंटी फाइव परसेंट स्टेक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही सारा कुछ इसका पैसा जाता है और इसका मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही है ये मिनी रत्ना कैटेगरी में आती है तो वो भी एक अच्छी चीज़ है इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो आर ने इसको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी की तरह से इसको सेग्रीगेट uh, uh, किया हुआ है या फिर इसको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी की तरह इसको देखा जाता है अब बिज़नेस क्या करती है बिज़नेस आप देखेंगे तो कंपनी इज़ द नेशंस लार्जेस्ट प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी है ये तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इतना थ्रस्ट है और कोई भी uh, जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करती है वहाँ पर हम बात करते हैं इसको फाइनेंसिंग कौन करती है उसको फाइनेंस करती है एरेडा तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर में ये कंपनी फॉल करती है आगे फाइनेंशियल भी देखेंगे थोड़े से कि फाइनेंशियली कैसा स्ट्रांग है कि नहीं है या फिर एन पी ए हो रहे हैं वो पैसा जो दे रही है ये तो फाइनेंसिंग जो कर रही है ये एक आ, एक सेक्टर को कर रही है और वो सेक्टर एकदम एकदम सनराइज सेक्टर है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है उस सेक्टर में ये कंपनी अवेलेबल है और ये रेंज जो सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स देती है फ्रॉम प्रोजेक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन टू पोस्ट कमिशनिंग फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड अदर वैल्यू चेन एक्टिविटीज सचेज इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसमिशन तो सारा पूरे वैल्यू चेन को ये फाइनेंस करती है ना सिर्फ एक चीज़ को तो ये एक अच्छी चीज़ है अब इसमें अगर आप देखते हैं प्रोजेक्ट्स इरेडा इज फाइनेंसड प्रोजेक्ट्स अक्रॉस मल्टीपल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर सचेज सोलर पावर विंड पावर हाइड्रो पावर ट्रांसमिशन बायोमासक्लूडिंग बगैस एंड इंडस्ट्रियल को जेनरेशन वेस्ट टू एनर्जी इथेनॉल कम्प्रेसड बायोगैस हाइब्रिड रीन्यूएबल एनर्जी ग्रीन मोबिलिटी सारी ही चीज़ों पे ये अपना देखते, जो है पैसा देती है अगर आप देखते हैं जोग्राफिकल प्रेजेंस इसकी ज्योग्रफिकल प्रेजेंस बड़ी ज़बरदस्त है तेईस स्टेट्स में और चार यूनियन टेरिटरीज में अवेलेबल है लोन बुक भी बड़ी ज़बरदस्त है साठ हजार करोड़ की लोन बुक है एफ आई ट्वेंटी फोर में एंड ग्रोथ जो दिखा रही है ट्वेंटी सेवन परसेंट ग्रोथ दिखा रही है एफ आई ट्वेंटी थ्री से एंड सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन टू प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को भी अच्छे से लोन दे रही है और वहाँ पर भी ये सपोर्ट कर रही है तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कंपनी तो गवर्नमेंट को इस गवर्नमेंट uh, कंपनीज में ही पैसा लगा रही है वैसा नहीं है प्राइवेट सेक्टर को भी अच्छे से लोन प्रोवाइड अब कर सेक्टर स्प्लिट अगर देख लेते हैं तो सोलर में इसका ट्वेंटी सेवन परसेंट का एक्सपोजर है विंड में एटीन परसेंट का एक्सपोजर है लोन फैसिलिटी टू स्टेट यूटिलिटीज़ में फोर्टीन परसेंट है हाइड्रो पावर में ट्वेल्व परसेंट तो सबसे ज़बरदस्त सोलर पावर में इसका एक्सपोजर uh, है और आज की तारीख़ में आपको पता ही है सोलर में बहुत ही ज़्यादा अभी पॉसिबिलिटीज़ uh, हैं लोन सेंक्शन डिसबर्समेंट्स कितना है तो सैंतीस हज़ार करोड़ के आसपास का इसका लोन सेंक्शन कर चुकी है एंड डिसबर्समेंट कितना कर चुकी है पच्चीस हज़ार करोड़ का डिसबर्समेंट ऑलरेडी कर चुकी है एफ आई में तो ये चौदह साढ़े चौदह परसेंट एंड सोलह परसेंट के आसपास का इसमें ग्रोथ uh, दिख रहा है तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है सेक्टर भी जैसे मैंने बताया सेक्टर भी सही है अब अगर आप स्टेट वाइज देखते हैं तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसमें लोन देती है राजस्थान में सेकंड नंबर है कर्नाटका थर्ड नंबर पे है तमिलनाडु फोर्थ नंबर पे है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ इम्प्रूविंग असेट क्वालिटी इज़ ऑल्सो ए हार्टनिंग थिंग इन एनी कंपनी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं अगर उसकी एसेट क्वालिटी सुधर रही है इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता आप अगर जी एन पी ए देख सकते हैं तो टू पॉइंट थ्री सिक्स परसेंट है एफ आई ट्वेंटी फोर में जो कि थ्री पॉइंट टू वन परसेंट थी एफ आई ट्वेंटी थ्री में तो एफिशियंज़ बढ़ रही हैं कलेक्शन एफिशियंसीज बढ़ रही हैं और एन पी एज नहीं हो रहे हैं वो एक अच्छी चीज़ है नेट एन पी ए भी देखते हैं तो एक परसेंट के नीचे आ चुका है एफ आई ट्वेंटी फोर में जो कि वन पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट था ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज रेवेन्यू के परस्पेक्टिव से देख लेते हैं रेवेन्यू ग्रो कर रहा है 43% थ्री परसेंट एफ आई ट्वेंटी फोर में इंटरेस्ट इनकम भी नाइन्टी सेवन परसेंट ग्रो की है फी एंड कमीशन से भी एक परसेंट का ग्रोथ आया है क्विकली इसके थोड़ा फंडामेंटली देख लेते हैं कि जो रेशियोज़ हैं वो कैसे हैं या मार्केट कैप देखते हैं तो साठ हज़ार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है जो कि बहुत ही बढ़िया है आ, अगर प्राइस देखते हैं तो टू ट्वेंटी टू के आसपास है थ्री टेन इसका हाई गया था उस वहाँ से अच्छे खासे डिस्काउंटिंग पे ये आ, मिल रहा है इस टाइम पर तो वो भी एक बढ़िया चीज़ है ऑलमोस्ट थर्टी परसेंट के डिस्काउंट पर मिल रहा है ये तो वो एक अच्छी चीज़ है अभी इस टाइम पर स्टॉक का पी आप देखते हैं तो फोर्टी फोर टाइम्स है अभी भी जो कि इंडस्ट्री का पी ट्वेंटी थ्री टाइम्स ही है तो वहाँ से अभी भी ओवर वैल्यूड है और ओवर uh, वैल्यूड होने का कारण क्या है कि हम थोड़ा सा इसको प्रीमियम दे रहे हैं बिकॉज जिस तरह के सेक्टर में अवेलेबल है और जिस तरह के फाइनेंशियल्स अभी दिख रहे हैं जो एन घट रहे हैं वो एक बहुत ही अच्छी चीज है और इसी तरह से थोड़ा सा इसी वजह से थोड़ा सा प्रीमियम मिल रहा है जो कि जनरली गवर्नमेंट कंपनीज़ को नहीं मिलता था पहले बट अब मिलना शुरू हो गया है तो वो प्रीमियम मिल रहा है और वो थोड़ा थोड़ा कूल cool डाउन भी हो रहा है वो भी एक अच्छी चीज़ है बुक वैल्यू देखते हैं तो थर्टी वन के आसपास का बुक वैल्यू है तो प्राइस टू बुक क्या हो गया सेवन टाइम्स हो गया ऑलमोस्ट प्राइस टू बुक तो ये एक और थोड़ा सा हायर साइड पे है बट अच्छी चीज़ क्या है आर ओ सी ई में नाइन पॉइंट थ्री परसेंट है और आर ओ ई भी सेवेंटीन पॉइंट थ्री परसेंट है तो आर ओ सी ई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद अगर साढ़े नौ परसेंट के आसपास का आर ओ सी ई है विच इज़ अ डिसेंट थिंग और इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है प्रमोटर की होल्डिंग जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट की कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेवेंटी फाइव परसेंट स्टेक है और अगर क्वार्टरली प्रॉफिट देखते हैं तो थर्टी परसेंट का प्रॉफिट है तेरह सौ इकतालीस करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है इसने प्लेज कुछ है नहीं गवर्नमेंट की कंपनीज में जनरली प्लेज मिलता नहीं है आपको प्राइवेट कंपनीज़ में ही ये चीज़ देखने को मिलती है तो ये हो जाता है आपका फंडामेंटली uh, थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको इसका पी भी दिखा दूँ uh, तो ये प्राइस अर्निंग रेशियो भी दिखा दें तो जब ये हाई पर गया था प्राइस अर्निंग रेशियो तो 60 का पीई चला गया था अभी ये 44 के पीई के आसपास अवेलेबल है तो दो चीज़ें हो रही हैं प्राइस भी नीचे आ रहा है अर्निंग भी अगर आप देखते हैं तो ई भी इसका बढ़ रहा है फाइव पॉइंट जैसे फोर था जून दो में जून 2024 में बढ़ फिर उसके बाद ये 5.18 होना शुरू हो गया जुलाई 2024 से लेके 5.18 पर ई अवेलेबल है तो ई भी बढ़ा है प्राइस नीचे आया है इसी वजह से ये थोड़ा सा शार्प डिक्लाइन आया है प्राइस अर्निंग रेशियो में भी <laughs> क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपको क्लियरली दिखेगा कि एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पर है दिसंबर दो में ये साढ़े करोड़ का बिजनेस करते थे रेवेन्यू टॉपलाइन वहाँ से वन ज़ीरो थ्री सिक्स करोड़ वन वन फोर थ्री वन वन सेवन सेवन ट्वेल्व फिफ्टी थ्री थर्टीन नाइन्टी वन और फिफ्टीन टेन तो कंसिस्टेंट ग्रोथ है टॉप लाइन में जो कि बहुत अच्छी चीज़ है इसके अलावा आप देखते हैं फाइनेंसिंग प्रॉफिट तो वो भी एक कंसिस्टेंट वे में बढ़ रहा है बिल्कुल डिप नहीं आया कहीं पर भी स्टैगनेंट जरूर हुआ है अभी इस क्वार्टर में जून क्वार्टर में अगर आप नेट प्रॉफ़िट देखते हैं तो नेट प्रॉफ़िट भी आप देख सकते हैं 200 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 400 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है नेट प्रॉफ़िट तो वो भी आपको क्लियरली दिख रहा है कि रेड फ्लैग कुछ नहीं है कंपनी फंडामेंटली बड़ी ज़बरदस्त प्लेस्ड है आप अगर यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर अगर आप ई देखते हैं तो ई में भी देखिए बढ़ाव बढ़ रहा है यहाँ पर वन पॉइंट फोर थ्री रुपीज़ ई पी एस आया है जून क्वार्टर में जो कि वन पॉइंट टू सिक्स से बड़ा वन पॉइंट टू फाइव वन पॉइंट टू फाइव वन पॉइंट वन तो यहाँ से कंसिस्टेंटली ई पी एस में भी ग्रोथ आ रहा है और प्राइस भी मैंने जैसे बताया नीचे आ रहा है ईयरली जो हम बात करते हैं एक बार इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी जो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ढाई टाइम्स हो चुका है दो हज़ार उन्नीस से लेके रेवेन्यू टॉप लाइन और अगर आप इसका नेट प्रॉफ़िट भी देखते हैं तो ढाई सौ करोड़ से बढ़ के इसी इतना प्रीमियम मिल रहा है आप देख सकते हैं ढाई सौ करोड़ से बढ़ के अभी अगर मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में देखते हैं साढ़े बारह सौ करोड़ तो ऑलमोस्ट हज़ार करोड़ ऐड कर लिए प्रॉफिट्स में और अगर आप ट्रेलिंग ट्वेल्व मंथ देखते हैं तो साढ़े तेरह सौ करोड़ हो चुका है यही चीज़ तो इस तरह की ग्रोथ स्टोरी है इरेडा इरेडा में बिल्कुल बढ़िया तरह से इसमें चीज़ें दिख रही हैं अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी नवंबर 2023 में लिस्ट हुई थी उसके बाद से आप देख सकते हैं दिसंबर में पिछहत्तर परसेंट था और ये कांस्टेंट कॉन्स्टेंट पिछहत्तर परसेंट ही है तो इसमें बिल्कुल ऐसा भी नहीं लग रहा है कि अगर यही अगर 80 परसेंट होती है प्रोमोटर की होल्डिंग तो एक और खतरा होता कि इसमें विद इन थ्री ईयर्स आई थिंक इसको सेवेंटी लाना होता तो वो एफ एस आता वो भी खतरा नहीं है इस पर्टिकुलर कंपनी में तो एक और ये भी एक अच्छी चीज़ है एक अच्छी चीज़ और क्या है आप देखेंगे तो एफ अभी भी एक्यूमुलेट कर रहे हैं 2.70 परसेंट है एफ की होल्डिंग जो कि 1.36 परसेंट थी मार्च क्वार्टर में जून क्वार्टर में 2.70 परसेंट हुई और ये कहाँ से घटी है ये घटी है पब्लिक होल्डिंग से तो पब्लिक बेच रही है एफ़ आई कर रहे हैं आई थिंक यही दिख रहा है जून के बाद अगर बेच दिया हो क्योंकि अभी काफ़ी तगड़ी सेलिंग आई है अगर उसके बाद बेच दिया हो तो वो अभी डेटा अवेलेबल नहीं है स्क्रीनर का मैं यूज़ कर रहा हूँ ध्यान रखिएगा तो ये एक और बढ़िया लग रहा है मेरे को फंडामेंटली अच्छी है कंपनी और इसको एक बार टेक्निकल चार्ट्स पर भी देख लेते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर कैसी अवेलेबल है तो ये मैंने डेली का चार्ट लगाया इरेडा का और इरेडा का डेली के चार्ट में आप देखेंगे तो जिस तरह से ये गिरावट हो रही है यहाँ पर देखेंगे तो ये गिरावट जो चल रही है क्या ये चलती रहेगी और कहाँ पर थमेगी वो एक बार देख लेते हैं कहाँ पर सपोर्ट है कहाँ पर इसके रेजिस्टेंसेज हैं वो सारी बात कर लेते हैं अगर आप देखते हैं तो अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर खड़ा है ये स्टॉक और वो लेवल क्या है 219, 220 तो अभी करंट प्राइस है 221.66 और इसमें अगर आप देखते हैं तो टू ट्वेंट क्या है ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये ग्रीन लाइन है इसका 100 डीमा 100 डीमा कहाँ आ रहा है 219, 220 के आसपास ही आ रहा है तो ये इसको बिल्कुल बचाना चाहिए अगर ये बचा जाता है तो फिर यहीं से रिकवरी आ जाएगी और फिर आपको अपवर्ड रजिक्टी देखने को मिलेगी अगर ये तोड़ देता है तो फिर इसमें आपको टू हंड्रेड सिक्सटीन फिफ्टीन के आसपास का सपोर्ट है और उसके बाद टू हंड्रेड के आसपास का सपोर्ट है उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है तो दो सौ पंद्रह दो सौ सोलह के आसपास का सपोर्ट है दो सौ बीस का सपोर्ट है और फिर उसके बाद टू हंड्रेड का सपोर्ट है तो अब इसमें क्या करें इसमें आप बिल्कुल निबलिंग कर सकते हैं अभी एक बार अगर मंडे के सत्र में ये और नीचे नहीं गिरता है तो 220 के सपोर्ट के लिए साथ या 215 के सपोर्ट के साथ या 200 के सपोर्ट के साथ इसमें एक ट्रांस लिया जा सकता है फिर और गिरता है तो 200 के जितना नज़दीक मिल जाए उतना सेकेंड ट्रांस लेंगे और 200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहेंगे तो ये हो जाता है एक स्ट्रैटेजी जो कि अच्छे काम कर सकती है और इसी तरह से अच्छे स्टॉक्स में एंट्री तभी मिलती है जब समय बुरा होता है जो मैं आपको हर बार बोलता हूँ अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो मैंने 215 और 200 का जो लेवल बताया बिल्कुल मार्क कर लीजिएगा और बिल्कुल वेट करिएगा और इसमें स्लोली एंड स्टीली पोजीशन को बिल्ड कर सकते हैं अब इसको एक बार वीकली और अच्छा आर अगर देखते हैं तो फोर्टी का आर तो बिल्कुल इसमें एक्शन नहीं है और ये थोड़ा सा एक्यूमलेशन वाला स्टॉक हो सकता है थोड़ा टाइम ज़रूर ले सकता है बट जिस सेक्टर में है और जिस तरह के फंडामेंटल्स है बहुत ही अच्छे लग रहा है इसको अगर वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं क्विकली वीकली के चार्ट पर भी बहुत ज़्यादा चार्ट तो नहीं है बट वीकली के चार्ट पर भी टू ट्वेंटी टू के आसपास का इसका ट्वेंटी वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और वहीं पर ही ये खड़ा हुआ है इस टाइम पर टू ट्वेंटी टू पर ही खड़ा है टू ट्वेंटी टू पर ही इसका ट्वेंटी वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है तो वो भी एक अच्छा संकेत दे रहा है कि यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है दो सौ पंद्रह दो सौ से लेकर दो सौ पंद्रह बीस के आसपास ये एक ब्रॉड रेंज हो जाती है इसमें आपको मैं एक बार फिबोनाची भी लगा के दिखा देता हूँ सो देट आपको फिबोनाची के भी लेवल दिख जाएंगे कि बिल्कुल सेम स्टोरी है कुछ भी परेशानी नहीं है और वो भी फिबोनाची पर भी आपको दिखेगा कि अभी एक सपोर्ट पर बैठा है वो सपोर्ट क्या है आप देख सकते हैं ये 50 परसेंट रिप्लेसमेंट है 215 के आसपास और यहीं पर ही देखिए सपोर्ट ले भी रहा है बार बार अगर मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं हाँ तो ये आपको दिख रहा होगा ये 50 परसेंट रिट्रेसमेंट है 215 के आसपास ये देखिए दो कैंडल इसमें दिख रही है वीकली दो वीक से ये 215 पर ही सपोर्ट ले रहा है और यहीं पर ही सपोर्ट अगर लेता है तो यहीं से ही चलना शुरू होगा और ये देखिए यहाँ पर आपको अपवर्ड रजेक्ट्री देखने को मिल जाएगी तो ये आ, जो 50 परसेंट रिप्लेसमेंट है वहाँ पर जनरली सपोर्ट आ, आ जाता है जनरली वहाँ पर ख़रीदारी आ जाती है अगर ये यहाँ पर भी नहीं रुकता है तो वन नाइनटी है जो कि इसका सिक्सटी रिट्रेसमेंट है तो ये दो लेवल्स का ध्यान रखिएगा मैंने 199 या 200 का मैंने बताया 200 से लेकर 220 के बीच का सपोर्ट रेंज काफ़ी ज़बरदस्त है इरेडा में टूटना नीचे अगर टूटता है तो एक बार के लिए निकल जाएगा अदरवाइज फ्रेश एंट्री बनानी है फ्रेश एंट्री के बारे में भी सोच सकते हैं डिस्प्ले में कितना ध्यान रखिएगा मेरी इसमें कोई पोजीशन नहीं है बट हो सकता है मैं पोजीशन में रहा तो जो भी आप डिसीजन लीजिए अपने फाइनेशल एडवाइजर डिस्कस करके लीजिएगा वीकली के चार्ट पर आरएसआई अभी भी 55 के आसपास है तो वहाँ पर भी थोड़ा सा मोमेंटम मिसिंग है बट मुझे लगता है यहाँ पर सपोर्ट जरूर लेना चाहिए टू और टू के बीच में सपोर्ट लेता है तो अच्छा एक बार्गेन होगा आपके लिए और जो आप वेट कर रहे थे इस तरह के स्टॉक पर एंट्री करने के लिए ये एंट्री अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है तो ये हो जाता है इरेडा का इरेडा पर मेरा व्यू अगर आपके पास पोजिशन में मुझे बताइएगा कहाँ पर आपने पोजिशन बना रखी है वीडियो कैसे लगी जरूर कॉमेंट में लिखेगा और इस तरह से सपोर्ट करती रहेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेगा आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो